आज जूनियर महमूद भाई का बर्थडे है। पिछले साल हमने मरीन ड्राइव पे मुंबई में बर्थडे मनाया था, आज बांद्रा में राजेश खन्ना जी के घर के सामने हमने बर्थडे मनाया है। यूँ तो अमेरिका में भी जूनियर भाई का केक काटा गया, नौशाद संगीत समिति में भी केक काटा गया, लेकिन आज हमने तय किया अनोखा बर्थडे मनाएंगे। घूम गए तो भरचुक नो बहुत अच्छे। Happy birthday to you. भाई ये गाना बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday junior bhai ji, happy birthday to you. बहुत शुक्रिया भाई, ये लीजिए। ओके वाह वाह वाह, आपके राइट में क्या बात है भाईजान, सब लीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं फिर सबको मैं खिला देता भाई, फिर सबको खिला दो पहले। आपके राइट में भी क्या बात है। वाह वाह भाई, चल देख ये लीजिए। हां आपके राइट में जी, मैं भी खिलाऊंगा भाई। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम हमारे भाई जूनियर महमूद साहब, हमारे भाई नमू भाई का बर्थडे आज हम सारे हमारे यार दोस्त मना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। क्या बात जूनियर भाई ने अभी केक काटा है, और केक के बाद अभी जो फूलों से उनको मुबारकबाद देंगे गुलदस्ते से, एडजस्ट करना है। आओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सलाम भाई, ऐसा लग रहा है आपका बर्थडे है। मजे हम ले रहे हैं। जो जूनियर भाई खड़े हैं उनके पीछे बाजू राजेश खन्ना जी का बंगला है, और हमारे कैमरामैन को बोलेंगे पीछे का जो बैक साइड का नज़ारा है वो समंदर का दिखाइए, हम कहाँ पे बैठे हैं। पीछे का नज़ारा बताइए कि हम जहाँ बैठे हैं वो कहाँ का नज़ारा है। देख सकते हैं आप, बांद्रा का समंदर का इलाका है। और जूनियर भाई से आज बात करेंगे जन्मदिन के मौके पर, कि जन्मदिन के मौके पर वो अपने सुपीरियर को किस तरह से याद करते हैं। नौशाद संगीत समिति में उन्होंने याद किया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वही तीन सवाल तीन जन के बारे में बात करेंगे। वो तीन शख्सियत है मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी और मनोज कुमार जी, और उसके अलावा कई किस्से आपके से जवानी सुनेंगे। तो जूनियर भाई आप यहाँ बैठ जाइए आके, और आपसे इंटरव्यू में बात करेंगे। आज बांद्रा में आज जूनियर भाई आप बैठे हैं, और आपके जन्मदिन के मौके में अच्छे अच्छे शख्सियत आई है और काफ़ी दूर से आए हैं, तो आप कुछ किस्से बताएंगे जन्मदिन के मौके पे। तीन किस्से जो आपने पहले कहा था रफ़ी साहब के, लताव जी के और मनोज जी पे, वो किस्से पे आप गौर करके बताएंगे। जी जी, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना काम नाम छोड़ के आए हैं, देखो थोड़े से केक के लिए नहीं, ये केक के लिए नहीं, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे। और सलाम भाई, ऐसा होता है कि बस ये चीज़ अनमोल है जो हम अभी बाँट रहे हैं। बर्थडे आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर ये जो पल हम बिता रहे हैं ये मालिक की मेहरबानी से अनमोल हैं, ये याद रहने वाले हैं। तो आपका सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात मोहम्मद रफ़ी साहब की या उस किस्से की, या लता दीदी की बात, या मनोज जी की बात, वो दरअसल हमारे अजीज़ ने मेरी बर्थडे मनाई थी नौशाद संगीत समिति में, हम सब थे, और बहुत मज़ा भी आया था वहाँ, बहुत सोने गाना गाया, जैसे कि आज मंगेश भाई को धर लिया, मैं कहा मंगेश भाई पहुँचना, तो वो तो ऐसे भी आने वाले थे, बहुत अच्छा गाते हैं ये, तो इन्हें गाने के लिए नहीं बुलाया था मैंने, इसलिए बुलाया कि मेरी यानी खुशी में सब शरीक हो जाएंगे तो अपनापन लगेगा, और किसी बात नहीं। तो वो किस्सा यूँ था कि बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं सलाम भाई, कि रफ़ी साहब के सभी शहदाई हैं, हम तो कुछ ज़्यादा ही हैं, तो पालम एयरपोर्ट दिल्ली पे वो खड़े हुए थे, और बहुत पब्लिक उनके आजू बाजू में थी, बट मैं चले मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, तो हम दूसरी फ्लाइट से उतर के आए तो हमने देखा रफ़ी साहब खड़े, हम छोटे से ही थे लेकिन चूँकि जानते थे वाकिफ़ थे, तो मैं जाकर सलाम किया उन्हें, तो बड़े खुश हो गए। तो उनके काम संभालते थे उनके साले साहब थे जहीर भाई मरहूम, तो मैंने जहीर भाई कहा, बोले वो गाड़ी का वेट कर रहे हैं, तो उनको जो गाड़ी लेने आने वाली थी वो किसी वजह से नहीं आई थी, या
पता नहीं क्या हुआ रास्ते में, ये गाड़ी का वेट कर रहे थे उनका। उस जमाने में मोबाइल का दौर था नहीं, वो कॉइन डाला जाता था डब्बे में 50 पैसे का। तो मोहम्मद रफ़ी साहब क्या बोलते हैं मंगेश भाई मुझे आहिस्ते से, जूनियर भाई बेटा जूनियर एक अठन्नी होगी। अब कैन यू इमेजिन इतना बड़ा आदमी अठन्नी के लिए बोल रहे हैं, पर मैं तो बच्चा ही था, मेरा जहन नहीं चला कि क्यों मांग रहे होंगे, फ़ोन के लिए मांग रहे थे बात की बात है। मैं तो कहाँ पे गया, मैं कहा जी 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 आप जी साहब, मैं मेरे छोटे भाई को लेके थोड़ी फील्डिंग विंग की बिल्डिंग की, यहाँ जा वहाँ जा वहाँ जा, दो अठन्नियाँ लेके आया मैं। क्या मैं इलाके में कहा साहब, बोले ये अरे वाह दो ले आया आप, ये जहीर को दे देना। तो वो फ़ोन करे मैं दो क्यों ले आया मुझे बोले, मैं कहा ऐसा है कि आप डब्बे में वैसे जाएंगे ना बाई चांस रॉन्ग नंबर हो गया तो साहब मैं कहा फिर कहाँ से ढूंढेंगे दूसरी अठन्नी। तो बड़े खुश हो गए वो, बहुत बहुत खुश हो गए। तो इतने बड़े आदमी को आप कितना ज़मीन पे देखा है मैंने, इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत नसीब वाला हूँ कि रफ़ी साहब जैसे कि इतने करीब रहा हूँ मैं, बड़े बड़े लोगों के नज़दीक रहा हूँ, पर जो रफ़ी साहब की शख्सियत थी वो अनोखी है, बिल्कुल अपने में एक है। लता जी का भी कोई किस्सा है आपके पास? हाँ वो जी जी महबूब स्टूडियो में बहुत बड़े शूटिंग के स्टेजेस हैं, वैसे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत बड़ा और मोस्टली अच्छे से म्यूजिक डायरेक्टर्स वहीं करते हैं क्योंकि बॉसों को नज़दीक पड़ता है एरिया, क्योंकि बैंड्रा में है। तो हम जब भी नीचे शूटिंग करते थे तो हम पूछते थे किसकी रिकॉर्डिंग है, तो बोले आज लक्ष्मी जी की है या आज पंचम दा की है, तो हम जाके मिलते थे उनसे, एक बहाना बन जाता था, नीचे शूटिंग करे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के चढ़े गए तो पता लगा कि लक्ष्मी जी का कोई गाना चल रहा था। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैं दौड़ा ऊपर सीढ़ियों के, मंगेश भाई मैं क्या देखता हूँ कि ऊपर से नीचे लता जी आ रही सलाम भाई। तो मैं ताजिम में साइड में खड़ा हो गया ताकि उनको रास्ता जाने का दूँ, और उससे पहले मैंने उनको नमस्ते किया, मैं कहा दीदी नमस्ते। पता नहीं किस उसमें थी, जहन उनका अपनी जगह पर था, चली गई, मुझे बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना सुना, मुझे भी लगा कि इन्होंने जानबूझ के मुझे इग्नोर किया, ये मेरी बच्चे की फीलिंग छोटी फीलिंग। तो खैर मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैं बोलूँ क्या इतनी बड़ी शख्सियत है आप, इन्होंने नहीं मेरी भी क्या हिसाब से, अगर लता जी ने जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया उनकी मर्ज़ी। खैर मैं काफ़ी दिन जागा मैं इस बात से, थोड़ी सी मुझे जहनी तौर पे थोड़ी उलझने भी हो कि इतनी बड़ी शख्सियत ने मुझे पानी कम भी नहीं समझाई ना, ऐसा जो बच्चे की थिंकिंग होती है। खैर मुझे एक रोज़ हमारे पड़ोस में हमारी मुँह बोली बहन बहुत बड़ी संगीतकारा उषा खन्ना जी रहती हैं, मेरा बहुत प्यार है उनसे और आज भी बहुत मोहब्बत करती है मुझे, उनका बड़कपन है। तो उनके म्यूजिक रूम में चला गया था मैं किसी काम से, ये 83 की बात कर रहा हूँ मैं तकरीबन जी, 83 की बात है, मैं गया हूँ मिली कहाँ है बेतू ऐसा वैसा वैसा। उनकी एकदम जिगरी सहेली आशा ताई हैं, आशा बोलते जी उषा जी की बहुत अच्छी सहेली हैं, वो आई हुई थी मेरा मुकद्दर, वो आई हुई थी, मैं देख के बड़ा खुश हुआ, मुझसे मराठी में बात करती आशा ताई, मुझे कसा है सर तू कोटे लई दिशा दिशा रे बेटे नहीं तू, अच्छा मतलब एक अपनेपन की बात। तो जैसे मैंने उनको देखा तो मुझे अचानक लता दीदी की वो एपिसोड की याद आ गई जो उन्होंने मुझे नमस्ते नहीं किया था। तो मैंने शिकायतन उनसे कहा आशा ताई से, मैं कहा आशा ताई देखिए इतनी बड़ी फनकार है, आप लोग इतने अजीम ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, मतलब जो जो जबान में बोला होगा मुझे याद नहीं वर्ड्स क्या थे, लेकिन उसका ये था आउटकम कि इतनी बड़ी लेडी ने मुझ जैसे नाचीज़ के नमस्ते को ठुकरा दिया, मुझे नमस्ते क्या जवाब नहीं दिया। तो वो बोली तू तो जानता है ना वो अपनी तंत्री में होंगी और ऐसा तुझे कौन इग्नोर करे, तो इतना प्यारा है ना फलाना है ढीमा का, मैं कहा नहीं मैं कई रात जागा हूँ ताई मुझे नींद नहीं आई, नहीं बोलते एक बात बताऊँ तेको यकीन नहीं आएगा, मैं कहा क्या बोले, उस दौर में VCR आते थे, VCR सिस्टम था। तो बोले तुझे पता है जब भी दीदी थोड़ी परेशान होती है या मायूस होती है तो एक ही गाना देखती है चला के, फिल्म बचपन का पर्दा उठने वाला है तमाशा होने वाला है जो तेरे पे पिक्चराइज हुआ है, पर्दा उठने वाला है तमाशा होने वाला है, ये दीदी गाई थी। मैं नसीब है मैं इतने बड़े बड़े लोगों से होके आया हूँ, ये मेरा नसीब है कि आप लोग इतनी मोहब्बत से मुझे हमेशा घेरते हैं, और कहते हैं ना कि माजी की यादें यानी काल भूतकाल की यादें वहाँ धुंध छा जाती है कभी कभार, है उस धुंध को हटा कर चीज़ें रोशनी में लाना ये आप करवाते हैं मुझसे सलाम भाई, वरना है तो मुश्किल काम। मनोज कुमार जी का भी कुछ किस्सा बताइए और उसी तरह से बताइए जिस तरह से हुआ था आपके ज़माने में। नहीं नहीं क्या था उस ज़माने में, अभी तो सब डिजिटल हो गया ना, छोटे छोटे वो आ गए हैं, उस ज़माने में मिचेल कैमरा होता था, मिचेल बड़ा कैमरा जिसमें 1000 फुट की मैगजीन लगती थी, तो 2-2.5 मिनट 3 मिनट के शॉट लगते थे,
बड़े बड़े टेकर जैसे कि राज खोसला साहब, विजय आनंद साहब और हमारे पंडित मनोज कुमार जी। हम मनोज जी की तो आदत ही थी कि एक लंबा शॉट लगाएंगे, माशाल्लाह आर्टिस्ट मूव कर रहा है तो कैमरा रुक जाएगा, कैमरा मूव कर रहा है तो आर्टिस्ट रुक जाएगा। ये मोशन पिक्चर का पूरा वो स्पेलिंग बताते थे कि मोशन पिक्चर ऐसी होती है, बहुत अजीम मेकर। उनकी एक फिल्म बनी यादगार। अच्छा जी, यादगार में एक टोली थी, पोल खोल मंडली की टोली, पोल खोलते हम लोग, तो उसमें 10 उनके पंटर थे, उनमें से एक पंटर मैं था, सबसे छोटा। तो खैर यूँ होता है कि एक ऐसा सीन था कि सब खफा हो जाते हैं उनसे, मनोज कुमार जी से। अब बड़ा लंबा सीन लगाया उन्होंने, वह लंबा शॉट, मोहन चोटी भाई हैं, बीरबल हैं अपना, और पोलसन एक ज़माने में थे वो थे, और अपने और कलाकार थे, वो सब उन्हें छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, लंबा सीन है वो। एंड में कैमरा उन पर चार्ज करता है, एक करेक्टर आता है वो मैं हूँ, आखिर में मैं आता हूँ नज़दीक आके डायलॉग बोलता हूँ, भानु भाई रोते हुए, भानु भैया वो तो चले गए, उनके जिसम में खून नहीं, पानी, पता नहीं कुछ जुमले उमले थे मेरे, और रोते हुए बोलना मैंने, बड़े टेंशन का काम था, मैं रोना मेरे लिए बहुत टेंशन था उस दौर में, लेकिन खैर फनकार होते कोशिश की मैंने। तो क्या था, मैं नया नया मुझ में कुछ फॉरेन से लौटा था, तो वो दोपहर को खाने में, खाने के साथ मुझे वो सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत पड़ गई थी, तो लंच में मैं कोको कोला पीता था। अब चूँकि टाइम था, लाइटिंग में टाइम लगता है, मैं 2-3 कोक पी गया लंच में, समझे। तो इन्होंने लंबा शॉट लगाया इसका, मुझे गुमान नहीं था कि इतना लंबा शॉट होगा लगाया। तो इस बीच में मुझे नेचर्स कॉल आया कि मुझे जाना था शुरू करने। तो अब रिहर्सल ऐसी हो रही है, मनोज जी खुद बैठे हुए, अब उनको बोले कौन बीच में कि रुकिए मैं जाके आता हूँ, चाटा ही मार देंगे ना मुझे। तो मैं कहा नहीं यार, अभी शॉट हो जाएगा, कोई नहीं। एंड में लेकिन मुसीबत ही थी, मेरा एंड में मेरी एंट्री थी, आखिरी में मैं आता हूँ। मुख्तसर ये कि साहब शॉट शुरू हुआ साहब, मैंने शुक्रिया किया, मैं चलो भाई अच्छा काम शुरू हो गया, शॉट शुरू हुआ, कट कोई मिस्टेक हो गई, ट्रॉली हिल गई या कुछ हुआ। मैंने कहा अबे यार ये क्या, मुझे लगा हुआ बहुत जोर से प्रेशर, मुझे जाना ही था। तो फिर मैं मालिक करे ये टेक हो जाए ताकि मैं दौड़ूँ और 1.5 लीटर जो भी है निकाल के, मैं अपना सोच रहा अपने जहन में। तो खैर पता ये लगा कि एक और रिटेक हो गया, कोई और जुमला भूल गया, मोहन जी कुछ भूल गए या बीरबल भाई कुछ भूल गए, ऐसे करते 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 खासा टाइम लग गया उस शॉट में। फाइनली एक टेक लगाया उन्होंने, 7वां 8वां जो भी होगा, मुझे फिगर याद नहीं, वो टेक चला 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 चला, मैं बड़ा खुश, एक कैरेक्टर जाता, 2 जाता 3 जाता 4 सब चले गए। अब मेरी एंट्री थी, चलो मियाँ अब घुसो, मैं ऐसे करके हाथ नीचे किया तो मुझे कुछ गीला गीला लगने लगा मेरी पैंट पे, हाँ तो छोटा ही मैं कहा ये क्या हो रहा है, झुक के देखा तो वो राम में खड़ा था, नीचे मट्टी थी वो भी थोड़ी सी गीली हो गई। अरे मैंने कहा काम हो गया, तो वही काम हो गया। मैं कहा अरे अरे मैं अब डायलॉग कैसे बोलूँगा, वो तो कैमरे में दिख जाएगी पूरी, इतना पैच पूरा गीला दिखेगा। मैं गया भानु भैया, भानु भैया मनोज जी को बोला, भानु भैया कट कीजिए। अरे क्यों, मुझे देख के चुप। मैं कहा ये देखिए ये क्या हो गया, सब हंसने लगे भाई मुझे देख के, बच्चा तो नहीं भाई, निशान निकल गया मेरा, तो सब हंस रहे थे, सब खामोश हो गया। अब देखिए मनोज जी का सेंस ऑफ ह्यूमर, बोले यार जूनियर तुझे मैंने आंखों से रोने के लिए कहा था, तू कहाँ से रो पड़ा है। सलाम भाई, वो माहौल, वो एम्बियंस, वो लोगों की शफ़क़त, वो मोहब्बत आज मैं मिस करता हूँ, और आप लोगों की मोहब्बत याद रहेगी। और मेरा बर्थडे आप इतने मोहब्बत से मनाए हैं, वैसे मैं मनाता नहीं था लेकिन आप लोगों ने इसकी आदत डाल दी मुझे। लेकिन मैं सब सबके लिए यही दुआ करता हूँ कि मालिक हर एक की ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा खुशियाँ लाए। अद्भुत अद्वितीय है, इसीलिए अद्वितीय लगा कि इस बांद्रा में राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, उसी जगह पे उनके मोहम्मद रफ़ी साहब और राजेश खन्ना और जूनियर महमूद साहब, तो उनके जन्म मनाना अपने आप में एक अद्वितीय, मतलब एक सपना हकीकत हो रहा है, अद्भुत। एक हमारे साथ सीनियर सिंगर है मंगे जी, मंगे जी जूनियर भाई के लिए आप किस तरह से एक गाना गाएंगे अपने अंदाज में? भाई मैं तो खुशनबी समझता हूँ अपने आप को कि इनके साथ जुड़ा हूँ आज इतने साल से, भाई भी प्यार करते हैं, पर आज उनका बर्थडे है। मैं एक ही कहना चाहूँगा कि जिनके साथ उन्होंने 14-15 फिल्मी सुपरस्टार के साथ किए, उनके आज जिंदा होते काका तो शायद मैं ख्याल से अंदर होता था अपना बर्थडे, पर खैर कोई बात नहीं, वो देख रहे हैं ऊपर से कि भाई का बर्थडे हो रहा है, उनके बिल्कुल घर के सामने हम बैठे और हमारे सारे दोस्त इस बात को मुबारकबाद दे रहे हैं, और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई को, शुक्रिया मेरे भाई को, बहुत बहुत शुक्रिया। आजिम शेख जी सीनियर रिपोर्टर हैं, आप भाई जूनियर भाई के लिए दो। पहली बात तो ये कि
इंडिया आज को सबसे पहली मुबारकबाद ये कि वो जूनियर भाई के इतने बड़े पैमाने पर बर्थडे मना रहा है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ है हमारी कि जूनियर भाई हमेशा इसी तरह से खुश और खुशहाल रहें और हम लोगों के साथ देते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आज सब हमेशा खुश। वाह जी, जूनियर भाई से 50 साल पहले मिले थे और 50 साल के बाद डायरेक्ट आज मिल रहे हैं, उनसे ही मिलाते हैं। भाई आपने फूलों से गुलदस्ते से मुबारकबाद दी, 50 साल पहले जूनियर भाई से आपने मुलाकात की थी, आप कुछ बोलेंगे? मैं यही कहूँगा कि जूनियर भाई बहुत एक अच्छे और बहुत ही मोहब्बती इंसान है। मैंने बचपन में उनसे मुलाकात की थी जब उनके भाई वगैरह मेरे साथ हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मैं घर पर आता जाता था, तब का उनका प्यार और आज का बहुत ही उसी तरीके से, कोई चेंजेस नहीं है। मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई हमेशा सेहत आप खुश और खुश रहे और हमेशा अल्लाह इनको दीन दुनिया रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और आपका भी सलाम भाई, इंडिया आज का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाईजान से मेरी आज आपने मुलाकात करवाई, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और भाईजान को मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे साथ रिटायर पुलिस अधिकारी है, दो लाइन आप भी अपने अंदाज में जूनियर भाई को मुबारकबाद किस तरह देते हैं? तरफे जो वाढदिवस साजरा केला तो फारच सुंदर आणि छान होता। जूनियर बाबू साहेबांचा जे लहानपणापासूनचं जे अभिनयामध्ये कर्तृत्व केलेलं आहे ते आज दिसून येत आहे सगळ्यांच्या प्रेक्षकांच्या माध्यमातून, आणि सगळे दाद देत आहेत त्यांच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन। के चाहने वाले ने अपने अंदाज में, अपने जबान में, मराठी लैंग्वेज में कहा है कि उनके सालगिरह के मौके पे मुबारकबाद दिए। और हमारे साथ दिनेश जी हैं जो समाज सेवक है। दिनेश जी आप बताएं किस तरह से आप भी काफ़ी दूर से आए हैं तो मुबारकबाद देंगे जूनियर भाई को? दिनेश भाई ने भी उनको बिना बोले, क्योंकि कैमरा शाही नहीं है और बोलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन उनका दिल से यही बोलना है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ सालगिरह की। और एक हमारे साथ समाज सेवक है, मुंबई के इतनी बड़ी एरिया से आए हैं और धारावी से जो मुंबई का कहा जाता है, आप किस तरह से जूनियर भाई को चाहते हैं बताइए हमारे साथ। बहुत खुशी की बात है, मेरी ये दुआ है कि हमेशा जूनियर भाई सलामत रहे, अच्छे रहें। हैप्पी बर्थडे। वाह 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 वाह, शुक्रिया। वो मुबारकबाद लोग दे रहे हैं, वो जितने लोग ने जहाँ से मुबारकबाद दी है ज़रा देखिए बस जी। बॉलीवुड के पहले चाइल्ड सुपरस्टार रह चुके जनाब जूनियर महमूद साहब, जिनकी अदाकारी और जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाया करते थे, उनको मेरी तरफ से आज जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि आप हमेशा इसी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। खुदा हाफिज। मकबूल हुसैन का आदाब, जनाब जूनियर महमूद साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो, खुदा उनको लंबी उम्र दे और खुदा हमेशा उनको ऐसी रखे और खुदा तंदुरुस्त रखे और लोगों को इस तरह से हंसाते रहें, मेरी दिली दुआएं। आदा वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू, मैं हबीब अलवी अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ से शिकागो से 1.5-2 घंटे के फासले पे एल्गोन्क्विन इलिनॉय से। और नईम सैयद भाई और जूनियर भाई, आप अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ बताते रहे और कई ऐसी बहारें आएँ आपकी ज़िंदगी में और आप कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं, और हम सब की तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से खुदा हाफिज़ भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। और काजी सलाम काजी भाई को भी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नईम साहब, जूनियर महमूद साहब, सलाम अलैकुम, अल्लाह ब्लेस यू, आपका बहुत जन्मदिन मुबारक हो आपका। और आपके मैं सारे प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं, मेरा नाम यूसुफ मिर्ज़ा है, मैं कोई में एक अरसे से रह रहा हूँ और आपके प्रोग्राम देख के काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, सेहत दे, अपना ख्याल रखें और इसी तरह से लोगों का दिल बहलाते रहें। और हमारी तरफ से सलाम भाई को भी बहुत बहुत दुआएं और सलाम, अपना ख्याल रखें, जन्मदिन मुबारक हो, अल्लाह हाफिज़। माई नेम इज़ दिलीप धारिया एंड आई एम फ्रॉम शिकागो USA। महमूद भाई को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, आप हमेशा खुश रहे और लोगों को भी एंटरटेन करते रहिए,
wish you all the best and wish you a very good health. Continue making videos, a lot of interviews. We try to watch all your interview videos and USA में आपके बहुत फैन हैं. अभी भी आपको आपकी फिल्मों की वजह से आपको बहुत याद करते हैं. प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग इंटरव्यूज. थैंक यू अगेन. बाय. अस्सलाम वालेकुम जूनियर भाई, आप जियो हजारों साल. जूनियर भाई, हमने कैरियर शुरू किया ब्रह्मचारी से, आप उसमें एक्टर अल्लाह ने आपको नवाजा बड़े पैमाने पे. अल्लाह का लाख लाख करम है कि हमारी उम्र भी आपको लगे, आप जियो हजारों साल. जूनियर भाई, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद. और बड़े भाई, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मैं क्या, पूरी दुनिया ही प्यार करती है आपसे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. जूनियर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक. हैप्पी बर्थडे टू यू. गुरु जी का मुबारक हो. मैं बशीर अहमद श्रीनगर का रहने वाला हूँ. हम श्रीनगर से आपको, श्रीनगर की तरफ से सब आपको बहुत बहुत मुबारक. हैप्पी बर्थडे. जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा नाम मोहम्मद इंतज़ार अली है. मेरा पैतृक गांव थाना भवन, जिला शामली में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में. को जन्मदिन की मुबारकबाद दी जाए. जूनियर भाई, देश और दुनिया से आपको सारे सब जगह से इंडिया हाउस के माध्यम से मुबारकबाद दी सालगिरह की. आप किस तरह से उन सारे लोगों को मुबारकबाद का जवाब देंगे? जवाब क्या दूंगा मैं? धन्यवाद, शुक्रिया अदा करूंगा और मालिक से ये दुआ करूंगा, जिस तरह उन्होंने मेरे लिए मोहब्बत, मेरे पे उन्होंने वो निछावर की है, उनकी बर्थडे पे भी दुनिया भर के लोग ऐसी मोहब्बत निछावर करें, ये भी कह सकता हूँ. जूनियर भाई ने भी आपके मुबारकबाद का जवाब दे दिया है. जूनियर भाई के चाहने वाले ने अपने दिल से जितने लोग आए हैं मुबारकबाद दी हैं जन्मदिन की. और इंडिया आज के देखने वाले भी यही कहेंगे कि इंडिया आज चैनल बहुत छोटा है, लेकिन आपकी दुआएं की ज़रूरत है हमें. आप आगे अगर स्टोरी आपको पसंद आती तो अपने दोस्तों तक भेजना ना भूलिए. और कोई सुझाव है तो इंडिया आज को ज़रूर दे. और जूनियर भाई के लिए कोई संदेश है तो ज़रूर इंडिया आज के माध्यम से दे. मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी.